सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। इसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया आप सभी को। सो आप सभी को अब करना है कि आप लोगों को चले जाना है ऐसे ऐड फोटो में, एंड यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को। एंड यहाँ पे गाइस मॉडल का जो बैकग्राउंड है मैंने पहले से इरेज कर रहा है, ठीक है, तो आप लोग भी कर लेना। तो आप लोगों को करना है कि अगर यहाँ पे आपको अपने मॉडल को जो है कुछ साइज़ इस तरीके से रखना है, ठीक है। एंड यहाँ पे इतना हो जाने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ से इरेजर टूल में चले जाना है। एंड इरेजर टूल में जाने के बाद आपको इरेजर लेना है। इरेजर का लेने के बाद आप सभी को यहाँ पे साइज़ को इंक्रीज़ करना है, हार्डनेस को थोड़ा सा कम कर लेना है, एंड ओपोसिटी फुल रखनी है। देन आपको नीचे से जो है इस तरीके से इरेज करना है ताकि जो है ऐसा लगे कि आपका मॉडल जो है स्मोक के अंदर है, ठीक है। एंड यहाँ पे जब आप इतना कर लोगे तो आप सभी को करना है कि यहाँ पे अभी जो यहाँ पे साइज़ मेरे को थोड़ा छोटा लग रहा है मॉडल का, तो मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लूँगा। सो हमें परफेक्ट है। अब गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो है गाइस जितना हो जाने के बाद आप लोगों को अपनी फोटो को जहाँ पे डन कर लेना है। अब गाइस आप सभी को थोड़ा सा इसमें ब्लड का पीएनजी ऐड करना है, तो इसके लिए हम चलेंगे ऐड फोटो में। एंड यहाँ से हम इस ब्लड के पीएनजी को ऐड कर लेंगे। एंड इसका मैं आप सभी को कौन सा पार्ट लगाना है मैं बता देता हूँ आपको। जो लंबे वाला जो है यहाँ पे दिख रहा होगा गाइस, ये ब्लड का पार्ट, आपको वो वाला इसमें ऐड करना है। तो हम रेजर टूल में जाएंगे, इसको इन्वर्ट कर देंगे, हार्डनेस को फुल कर देंगे ब्रश के, एंड यहाँ पे पेंट करेंगे जो हमें पार्ट चाहिए, ठीक है। एंड जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा हम उसको सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से रेजर में क्लिक करके एंड उनको जो है रिमूव कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से सेम। एंड उसके बाद आप सभी को करना है कि आपको उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है। यहाँ पे इसको कर देना आप सभी को मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर देने के बाद गाइस आप सभी को जो है कुछ इस टाइप से दिखेगा, बाकी आपको साइज़ वगैरह अपने हिसाब से देख लेना है। देन कर देना आप सभी को डन। इतना हो जाने के बाद आप लोग अपनी फोटो को जहाँ पे सेव कर लेना है, एंड इसको लेकर चलना है लाइटरूम ऐप में, क्योंकि गाइस रीटच करके हमें और भी ज़्यादा अमेजिंग बनानी फोटो को। तो सबने लाइटरूम ऐप में ऐड कर लिया है। अब जाएंगे इस लाइट वाले ऑप्शन में। देन उसके बाद हम इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे, हाईलाइट जो है इसको हम इंक्रीज़ करेंगे, शेडो को इंक्रीज़ कर देंगे, एंड जो ब्लैक्स हैं इसको कम कर देंगे, ठीक है। फिर जाएंगे कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद हम इसका वाइब्रेशन बढ़ाएंगे, टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर देंगे। फिर जाएंगे मिक्स में, ऑरेंज कलर लेंगे, इसका ल्यूमिनस हम बढ़ा देंगे। एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम ऐसे लेंगे येलो कलर, इसका हम ह्यू माइनस करेंगे। एंड लेंगे डार्क ब्लू, इसका हम थोड़ा सा ल्यूमिनस कम करेंगे, एंड सैचुरेशन भी। फिर कर देंगे डन। एंड ऐसे चलेंगे नीचे हम इफेक्ट वाले टूल में। इफेक्ट वाले टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लियरिटी को इंक्रीज़ कर देनी फोटो की, एंड जो फोटो है उसमें विग्नेट डाल देना है थोड़ा सा। एंड उसके बाद आपको नीचे वाले टूल में जाकर फोटो की शार्पनेस बढ़ा देनी है, नोड रिडक्शन को बढ़ा देना है, एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोड रिडक्शन, आपको इसको भी बढ़ा देना है। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हैं हमारी फोटो जो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो आशा करता हूँ आपसे वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।